हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मई 2024 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कार्स कौन सी है इनके बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। 25th पोजीशन पे है टोयोटा टाइजर। इसकी मई 2024 में 5102 यूनिट सेल हुई है। ये कार 7 से 13 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 24th पोजीशन पे है महिंद्रा XUV 700। इसकी मई 2024 में 5185 यूनिट सेल हुई है। इसके प्राइस के हिसाब से इसकी सेल ठीक ठाक ही है। ये 14 से 27 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 23rd पोजीशन पे है महिंद्रा थार। इसकी मई 2024 में 5405 यूनिट सेल हुई है। ये 11.5 लाख से 17 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 22वीं पोजीशन पे है किया सेल्टोस। इसकी मई 2024 में 6132 यूनिट सेल हुई है। जब से हुंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, तब से इसकी सेल दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये 11 लाख से 20.5 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 21वीं पोजीशन पे है न्यूली लॉन्च XUV 300। इसकी मई 2024 में 6456 यूनिट सेल हुई है। इस गाड़ी की बुकिंग्स ओपन होते ही पहले ही एक घंटे में इसकी 50,000 यूनिट बुक हो गई थी, लेकिन कंपनी डिमांड के हिसाब से गाड़ी को प्रोवाइड नहीं कर पा रही, जिस वजह से इसकी सेल इतनी कम हुई है, वरना ये इस लिस्ट में बहुत आगे होती। ये कार 8 से 15 लाख की रेंज में मिल जाती है। 20th पोजीशन पे है टाटा टियागो। इसकी मई 2024 में 6837 यूनिट सेल हुई है। ये 5 से 8 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 19वीं पोजीशन पे है हुंडई एक्सटर। इसकी मई 2024 में 7242 यूनिट सेल हुई है। इस गाड़ी में कम बजट में फीचर तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन लुक्स के मामले में ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी दिखाई देती है, जिस वजह से शायद इसकी सेल थोड़ी कम हो रही है। ये कार 6 से 10 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 18 पोजीशन पे है मारुति अल्टो। इसकी मई 2024 में 7468 यूनिट सेल हुई है। पहले के वक्त में मारुति अल्टो बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में हमेशा 1 नंबर पे रहा करती थी, लेकिन वक्त के हिसाब से अब इसकी सेल कम हो गई है। लोग महंगी गाड़ियां खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये 3 से 6 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 17 पोजीशन पे है टोयोटा इनोवा। इसकी मई 2024 में 7856 यूनिट सेल हुई है। ये इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस दोनों का ही कम्बाइन सेल्स फिगर है। इस कार की प्राइसेस ज्यादा होने के बावजूद भी इसकी सेल अच्छी खासी होती है हर महीने। ये कार 19 लाख से 30 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 16 पोजीशन पे है किया सोनेट। इसकी मई 2024 में 7944 यूनिट सेल हुई है। ये 8 से 15 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 15 पोजीशन पे है ग्रैंड विटारा। इसकी मई 2024 में 8549 यूनिट सेल हुई है। 11 से 20 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 14 पोजीशन पे है हुंडई वेन्यू। इसकी मई 2024 में 9210 यूनिट सेल हुई है। इसकी भी सेल हर महीने अच्छी खासी हो ही जाती है। ये 8 से 14 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 13 पोजीशन पे है महिंद्रा बुलेरो। इसकी मई 2024 में 9486 यूनिट सेल हुई है। ये बुलेरो क्लासिक और बुलेरो नियो इन दोनों का ही कम्बाइंड सेल्स है। ये 10 से 12 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 12th पोजीशन पे है टाटा निक्सॉन। इसकी मई 2024 में 10994 यूनिट सेल हुई है। महिंद्रा XUV 300 के लॉन्च होने के बाद निक्सॉन की सेल पे काफी फर्क पड़ा है। इसकी सेल पहले से कम हो गई है। पहले ये टॉप 5 की लिस्ट में या फिर टॉप 10 की लिस्ट में तो आई जाती थी, लेकिन अब सीधा टॉप 10 की लिस्ट से बाहर निकल चुकी है। लेकिन अब आगे देखते हैं टाटा इसका कोई फेसलिफ्ट वगैरह लॉन्च करते हैं तो इसकी सेल्स में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। ये 8 से 16 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 11th पोजीशन पे है मारुति इको। इसकी मई 2024 में 11604 यूनिट सेल हुई है। इसकी हर महीने ही अच्छी खासी सेल हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही मीडियम बजट में मिल जाती है और इसमें सीटिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है। ये 5 से 6 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 10th पोजीशन पे है मारुति अर्टिगा। इसकी मई 2024 में 12107 यूनिट सेल हुई है। इसकी भी सेल हमेशा अच्छी खासी होती है, क्योंकि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। ये 9 लाख से 13 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 9th पोजीशन पे है मारुति की बलेनो। इसकी मई 2024 में 13655 यूनिट सेल हुई है। ये 7 से 10 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। 8th पोजीशन पे है मारुति की फ्रोनॉक्स। इसकी मई 2024 में 14185 यूनिट सेल हुई है। ये 7 से 13 लाख के प्राइस रेंज में मिल जाती है। 7th नंबर पे है स्कॉर्पियो। इसकी मई 2024 में 14704 यूनिट सेल हुई है। ये स्कॉर्पियो यन और स्कॉर्पियो क्लासिक
दोनों का ही कंबाइन सेल्स फिगर है। इस गाड़ी को पहले से ही बहुत पसंद किया जाता है और इसकी सेल हमेशा ही अच्छी होती आई है। ये 14 लाख से 25 लाख की रेंज में मिल जाती है। सिक्स्थ पोजीशन पे हुंडई क्रेटा, इसकी मई 2024 में 15,325 यूनिट सेल हुई है। जब से क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है तब से क्रेटा की सेल और भी अच्छी होने लगी है। पहले से ही इसकी सेल अच्छी होती है, लेकिन फेसलिफ्ट के बाद से इसकी सेल जो कम हुई थी वो थोड़ी और इम्प्रूव हो गई है। ये 11 से 20 लाख की रेंज में मिल जाती है। फिफ्थ पोजीशन पे है मारुति की ब्रेजा, इसकी मई 2024 में 16,115 यूनिट सेल हुई है। ये 8 से 14 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। फोर्थ नंबर पे है डिजायर, इसकी मई 2024 में 16,207 यूनिट सेल हुई है। आप देख सकते हो इस बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में इसको छोड़ के और कोई भी सेडान नहीं है। ये 7 से 10 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। थर्ड नंबर पे है मारुति की वेगनार, इसकी मई 2024 में 17,216 यूनिट सेल हुई है। ये 6 से 8.5 लाख रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाती है। सेकेंड नंबर पे है स्विफ्ट, इसकी मई 2024 में 18,238 यूनिट सेल हुई है। अभी हाल ही में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है और ये कार भी हमेशा से ही अच्छी खासी बिकती है। ये 6 से 10 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है। और फर्स्ट नंबर पे है टाटा की पंच, इसकी मई 2024 में 19,390 यूनिट सेल हुई है। नेक्सॉन भले इस लिस्ट में टॉप 10 से बाहर चली गई हो, लेकिन पंच इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आई है। अभी पिछले कुछ समय से पंच नंबर 1 पोजीशन पे ही आ रही है, बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में भी और बेस्ट सेलिंग एसयूवी की लिस्ट में भी। ये 6 से 10 लाख की प्राइस रेंज में मिलती है। तो आपकी इनमें से कौन सी ये कार फेवरेट, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही गाड़ियों से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।